सेट्स का मतलब क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं एक बार पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेट्स क्या होते हैं। सो सेट्स का मतलब होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा, या डेफिनेशन बोलें कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कभी चेंज ना हो, जो सब्जेक्टिव ना हो, जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड ना करे, पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। जैसे खूबसूरती पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक, भाई को कटरीना पसंद है, भाई को सलीना पसंद है, भाई को सनी पसंद है, तो फर्क हो गया, ठीक है। सिमिलरली समन्विता को लेट से वरुण धवन पसंद है, और नित्या को लेट से जॉन जॉन इब्राहिम पसंद है, तो सबकी पसंद अलग अलग होती है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि सबसे सुंदर औरत कौन है पूरे दुनिया में बताएं, तो आधे बच्चे कहेंगे मेरी माँ बहुत सुंदर है, कुछ लड़के कहेंगे मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, कुछ कहेंगे मेरी बीवी बहुत सुंदर है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसको हम लोग वेल डिफाइंड में नहीं रखते। सो वेल डिफाइंड में हम किसको रखते हैं, वेल डिफाइंड में ऐसी चीज रखते हैं जो सबके लिए सेम है, जैसे वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए ए ई आई ओ यू है, ठीक है, उनका अगर हम लोग ग्रुप बनाए तो वो हो गए वॉवल्स इन इंग्लिश, ये सेट हो गया, राइट। सिमिलरली सिक्स ए में मान लो तीन बच्चे हैं, रामू कालू और लल्लू, ये तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चों का ग्रुप हो गया, तो ये क्या हो गया, ये भी एक सेट हो गया। सिक्स बी में बच्चे हैं घनश्याम रोहन मोहन, ये भी एक ग्रुप हो गया, ठीक है। टाइप ऑफ कार्स आती है हमारे पास, एसयूवी कार का अगर हमने ग्रुप बनाया उसमें सफारी फॉर्च्यूनर आ गई, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल का हमने ग्रुप बनाया उसमें हेक्सा और जेवियर आ गई, ठीक है, हैरियर होना चाहिए, ठीक है। हैचबैक का बनाया जो छोटी वाली कार्स होती हैं उनका ग्रुप बनाया उसमें स्विफ्ट i20 सेंट्रो आ गई, एंड सो ऑन। हमने होल नंबर्स, फर्स्ट फाइव होल नंबर्स का एक ग्रुप बनाया तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4 आ गया, राइट। सो दिस विल बी नोन एज सेट, इसको हम लोग कहेंगे सेट, ठीक है। सेट को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इनसाइड कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट। किसी भी चीज को अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो उसको हमेशा क्या बोला जाएगा, सेट बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन मेथड में हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश डेफिनेशन, इंग्लिश में लिख देते हैं कि सेट का मतलब क्या है। जैसे A is equals to set of vowels in English language. B is a set. अच्छा हाँ, set का जब भी नामकरण करते हैं बड़े कैपिटल लेटर से करते हैं, जैसे आपका भी नाम लिखा जाता है कैपिटल लेटर से, लिखते हो किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन जो हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, सेम टू सेम सेट का भी नामकरण हम लोग बड़े कैपिटल लेटर से करते हैं। सो लेट्स से सेट बी इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, सेट सी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, ये हमने सेट्स को लिखा, कैसे लिखा, डिस्क्रिप्शन करके, अंग्रेजी का यूज करके। दूसरा तरीका होता है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में हम लोग सेट्स को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, हम लोग सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को लिख देते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा लगा के, ठीक है। जैसे पहला सेट क्या था, वॉवल, तो वॉवल को हमने लिख लिया ए ई आई ओ यू इन साइड कर्ली ब्रैकेट। सेकेंड क्या था, नेचुरल नंबर लेस देन 5, सो 1, 2, 3, 4 आर द नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है भाई, मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में सेट। थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत स्पेशल टाइप का होता है जिसमें हम लोग मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज करते हैं और अंग्रेजी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश यूज करेंगे और थोड़ा सा मैथ्स यूज करेंगे और हम लोग उसको सेट के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे ए इज अ सेट, ए इज अ सेट, इसमें हम लोग लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, एक्स कोलन, इस कोलन को पढ़ते हैं सच दैट, क्या पढ़ते हैं, सच दैट। तो यहां पे हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स और फिर उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग उस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4 था, तो हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन 5। ऐसे भी लिख सकते थे। अब ये हमने क्या लिखा, ये हमने लिखा कि एक्स जो है वो एक्स एक्स जो है सच दैट x इज इक्वल्स टू n, x किसके बराबर है, n के बराबर है। n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, तो ये जो साइन होता है ये पता है ना साइन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू व्हाट, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड कंडीशन लगा दी, कंडीशन क्या है कि ये जो नेचुरल नंबर है ये क्या होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज किया और थोड़ा सा लॉजिक का यूज किया, अंग्रेजी का यूज किया एक्स के फॉर्म में। नेक्स्ट, एक्स
सच दैट एक्स इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो तीन तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिप्शन मेथड, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट टाइम, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं बताना भाई। क्रिश, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 50, विल दैट बी अ सेट और नो? सेट, यस, ओके, फाइन। समन्विता बताइए, फर्स्ट थ्री डेज ऑफ अ वीक, विल दैट बी अ सेट और नो? समन्विता सर, व्हेन विल यू चेंज माय बैच? बेटा बैच के लिए परेशान ना हो, बैच यही रहेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एडिड रहोगे सारे एमडब्ल्यूएफ वाले बैच में, डोंट वरी, डोंट वरी, बी हैप्पी। उसका नाम चेंज कर दूंगा मैं, आपके टीटीएस वाले बैच का नाम कर दूंगा एमडब्ल्यूएफ। ठीक है, यस सर, कह रही है यस सर। भाई बताओ, फर्स्ट थ्री डेज ऑफ अ वीक सेट होगा? नहीं होगा सेट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट थ्री डेज कुछ भी हो सकते हैं। हमारे लिए फर्स्ट थ्री डेज है ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे, या ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे। आपके लिए फर्स्ट थ्री डेज है मंडे ट्यूजडे वेंसडे, हो सकता है किसी के लिए फर्स्ट थ्री डेज हो संडे मंडे ट्यूजडे। तो थ्री डेज ऑफ अ वीक, फर्स्ट थ्री डेज ऑफ अ वीक, ये कहीं डिफाइंड नहीं है, किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा कि पहला दिन मंडे ही होता है। वो हम लोग मानते हैं क्योंकि संडे छुट्टी होती है। ठीक है, तो ये सेट नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। टॉल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास सेट है कि नहीं है? नहीं सेट है। क्यों सेट नहीं है? क्योंकि लंबाई की भी कोई सीमा नहीं होती है। मेरे हिसाब से हो सकता है 4 फुट का बच्चा लंबा हो। ठीक है, अब नर्सरी का कोई बच्चा अगर 4 फुट का बच्चा देखेगा, कहेगा भाई ये तो भैया लंबे हैं। लेकिन अगर कोई 6 फीट का आदमी 4 फुट के आदमी को देखेगा तो कहेगा भाई छोटे हो तुम। ठीक है, सो हाइट जो है वो सब्जेक्टिव है, किसी के लिए कोई चीज लंबी है, किसी के लिए कोई चीज लंबी है। मल्टीपल्स ऑफ 5 सेट होगा? ये होगा। गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया सेट होगा? ये नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर सेट होगा? 3 हेल्दी स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास होगा? नहीं होगा। बिल्कुल सही, तो ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। नित्या, मैंने तुमसे नहीं पूछा क्योंकि तुमको पता ही है सब। क्लियर है यहां तक? बुरा मत मानना कि सर ने मुझसे नहीं पूछा, नहीं पूछा भी आगे पूछ लेंगे। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? यस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन फर्जी थे, ये वाले और फर्जी थे। हाँ, फिर हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन को रोस्टर फॉर्म में, एंड कुछ कुछ और भी चीजें। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसको अभी नहीं करेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सेट से, कि कितने प्रकार के सेट्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला सेट आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जिनको हम काउंट कर सके, जो काउंटेबल हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे सेट ऑफ वॉवल्स, ये फाइनाइट है। ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 5, ये फाइनाइट है, आप इनको काउंट कर सकते हैं। कौन सा होता है सेकंड? सेकंड होता है इनफाइनाइट सेट, इसका अपोजिट। इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट, जैसे नाम से पता चल रहा है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे, काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं भाई? इनफाइनाइट होते हैं, काउंट ही नहीं कर सकते। 1, 2, 3, 2 करोड़, 3 करोड़, सबका सक्सेसर आ जाएगा, इन्फिनिटी तक होते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये हो गया, सेट ऑफ होल नंबर्स ये भी हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स ये भी हो गया। क्या हो गया? ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सो फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं, काउंटेबल होते हैं। इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। सिंगलटन सेट, जैसा कि पता चल रहा है, सिंगल, सिंगल क्या होता है भाई? जो अकेला हो, तुम्हारी तरह नहीं हो सिंगल। अच्छा, कंफ्यूज हो गए तुम बेटा, अरे पता चल गया राज। हाँ भाई, सिंगलटन सेट, अभी अभी एक का राज पता चला, भाई सिंगल नहीं है, भाई डबल है। सिंगलटन सेट होता है एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक से ज्यादा एलिमेंट ना हो। जैसे ए इज अ सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कितने प्राइम मिनिस्टर होते हैं भाई इंडिया में? एक ही होता है। तो ये कैसा हो गया सेट? सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है नल सेट, जीरो सेट, एम्प्टी सेट। तीनों है एक ही आदमी, नाम अलग अलग है। जैसे आपके घर का नाम अलग हो सकता है ना, क्या घर का नाम है तुम्हारे? घर का नाम, स्कूल का नाम श्रेयांश, स्कूल का नाम श्रेयांश, घर का नाम श्रेय। ठीक है, वैसे ही नल सेट बोलो, जीरो सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो, सब एक ही चीज है। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या कहेंगे? नल सेट या जीरो सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे x such that x is a boy who is a girl, ऐसा हो सकता है कोई? कोई ऐसा लड़का जो लड़की हो? कोई लौंडा लड़की तो नहीं हो सकता, राइट? सो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के देखो दो तरीके होते हैं, और ये तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपको एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करना है
तो आप करली ब्रेसेस बनाओगे और इसके बीच में कुछ नहीं लिखोगे, तो इसका मतलब क्या है? एम्प्टी सेट, ठीक। या फिर और आप सेट लिखोगे ए और उसके आगे लगा दोगे फाई, तो इसका भी मतलब है एम्प्टी सेट। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत है, क्योंकि आपने लिख दिया कि एक सेट है और उस सेट के अंदर एक एलिमेंट है फाई, ठीक है। तो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों तरीके सही हैं। ये दोनों को मिला के मिश्रण करके 99% बच्चे ऐसे लिखाते, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिख जरूर लेना, इसको कॉपी में नोट कर लेना। नल सेट को, जीरो सेट को, एम्प्टी सेट को या तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे या ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करोगे, क्योंकि अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो भाई बात खराब हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है समन्विता नित्या? यस, क्लियर है भाई क्रिश, तुम दोनों को क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कार्डिनल नंबर की। नाउ व्हाट इज अ कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मान लेते हैं ये पहला एग्जाम्पल था हमारा सेट ऑफ वॉवल्स, तो इसका अगर हम लोग कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, दिस इज कार्डिनल नंबर। So, NA का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द सेट। नाउ नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर? 5। सो NA विल बी इक्वल टू 5। सिमिलरली अगर यहां से NB निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? ये आ जाएगा 4 के बराबर। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द सेट इज 4, ठीक है। उसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो, मतलब दो या दो से ज्यादा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम हो, तो उनको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे ए में 5 एलिमेंट्स हैं और अगर हम इस सेट में एक और एलिमेंट लिख दें लेट्स से 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हो गए? इसमें भी 5 हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, सो दीज सेट्स विल बी इक्विवेलेंट सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दो डबल साइडेड एरो, तो इसका मतलब होता है ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। सो इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, उनको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। फिर आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट होता है जुड़वा सेट, सेम टू सेम। जैसे जुड़वा मूवी देखिए, कौन सी वाली? वरुण धवन की कि सलमान खान की? सलमान खान की नहीं देखी, वरुण धवन की देखी। तुमने देखी है? क्या बात है, कौन पसंद आया तुमको दोनों में से? नहीं, जैकलीन में से या उसमें से बोल रहे थे, वरुण धवन का बोल रहे हैं, दोनों ही अच्छी हैं, क्या बात है, ठीक है भाई, ये भी बात सही है भाई की, भाई ने दिल की बात बता दी, कह रही दोनों ही अच्छी हैं, हमको क्या? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? सो इक्वल सेट्स का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा सेट जो बिल्कुल सेम टू सेम हो, जुड़वा हो। जैसे ए इज अ सेट ऑफ वॉवल्स, बी इज ऑल्सो अ सेट ऑफ वॉवल्स। अब एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट को जब हम लोग ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो याद रखिएगा कभी भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि ए ई आई ओ यू लिखा है या ओ यू आई ए ई लिखा है, दोनों चीज सेम है, ठीक है। तो ए को पहले लिखो, ई को बाद में लिखो, ई को पहले लिखो, ए को बाद में लिखो, चीज वही है, ठीक है। तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता कि किस ऑर्डर में लिख रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, और रिपीट नहीं करना, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा और कैसे लिख रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों सेट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल सेट। अब एक चीज बताना है, क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसका आंसर देना, देखते हैं कितने लोग सही दे पाते हैं। इफ टू सेट्स आर इक्वल देन दे आर इक्विवेलेंट सेट्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? इफ टू सेट्स आर इक्वल देन दे विल बी इक्विवेलेंट सेट्स, ट्रू है कि फॉल्स है? False. If two sets are equal sets, then they will be equivalent sets. आप कह रहे हो true है, आप कह रहे हो false है। समन्विता कह रही है true है, नित्या कह रही है true है। True वाले बच्चे जीत गए, false वाले बच्चे हार गए। तीन बच्चे जीत गए, दो बच्चे हार गए। नित्या, समन्विता, आपका आंसर सही है, श्रेय का आंसर सही है, बाकी दोनों का गलत है। मैंने क्या बोला? इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। भाई इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। तो अगर दो सेट इक्वल हैं तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे में भी होंगे। जैसे यहां पे देखो, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, तो इसमें भी 5 एलिमेंट हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट हैं, तो ये क्या हो गए? इक्विवेलेंट भी हो गए। समझ में आया? अच्छा, उल्टी बात करते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट्स, ट्रू है कि फॉल्स है?
किसी में भी रिपीट नहीं हो सकते, सेट में तो किसी में नहीं रिपीट हो सकते, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स क्या है ये हमको थोड़ी ना पता। अब जैसे यहां पे देखो, यहां पे भी पांच है, यहां पे भी पांच है, इक्विवेलेंट है, पर क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, ये ए ई आई ओ यू, ये 1 2 3 4 0 है, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों में इक्वल है, पर ये आपस में इक्वल नहीं है, सेम टू सेम नहीं है। तो इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है, गुड। इसके बाद बात करेंगे नॉन एम्प्टी सेट्स की। नॉन एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जो एम्प्टी ना हो, जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर आता हो, जैसे ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, ठीक है। इसके बारे में लिखने को मैं आपको ये पूरी दे दूंगा पीडीएफ, आप इससे देख के लिख सकते हो, नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना लोगे, मैं यही नोट्स आपको दे दूंगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग सबसेट की। सबसेट क्या होता है भाई? सबसेट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे सी जैसा है, यू जैसा, यू को लेटा दो अर्थी पर, ठीक है। अर्थी पता ना क्या होता है? क्या होता है जिसपे हाँ आग वाग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अर्थी बिछा दी और उसके ऊपर यू को लेटा दिया, ठीक। ये होता है सबसेट का साइन। सबसेट का मतलब क्या होता है? तो सबसेट का मतलब होता है, अगर देखो इसको लेफ्ट टू राइट पढ़े तो इसको पढ़ते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको राइट टू लेफ्ट पढ़े तो हम लोग पढ़ते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए। कैसे? जैसे बचपन में पढ़ा था, इसको अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे तो इसको क्या पढ़ोगे? ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अच्छा, इधर से पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? B is smaller than A, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं आपका बाप हूं, तो आप इसका उल्टा क्या बोलोगे? मैं आपका बेटा हूं, ये तो नहीं बोलोगे मैं भी आपका बाप हूं, मैं आपके बाप हूं, मैं भी आपका बाप हूं, ये नहीं होगा ना। जैसे जैसे मैं बोलूं कि कटरीना क्रिश की गर्लफ्रेंड है, तो क्रिश कटरीना का गर्लफ्रेंड तो हो नहीं जाएगा, क्रिश कटरीना क्या हो जाएगा? बॉयफ्रेंड। बोलने का तरीका अलग लोगों के, तो किसके रिस्पेक्ट में क्या बोल रहे हो ये फर्क पड़ता है। तो अगर ए की तरफ से बी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब यू की जो अर्थी है, वो यू का जो बेस है वो ए के पास है, ए की तरफ है, देन इन दैट केस क्या होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन जब उल्टी तरफ से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। अब सबसेट और सुपर सेट क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर देयर इन बी। ए एक ऐसा सेट है जिसमें बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। जैसे लेट से बी एक एलिमेंट है, 1 2 3 सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6। तो हम लोग यहां से क्या कहेंगे? हम लोग यहां से कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। व्हाई? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब हो गया बी जो है वो पापा सेट हो गया और ए जो है वो बच्चा सेट हो गया, ठीक। बाप के अंदर जितनी क्वालिटीज होंगी वो सारी क्वालिटीज किसके अंदर होंगी? उसके बेटे के अंदर, उसके बच्चे के अंदर, ठीक है। तो ए जो है वो बच्चा सेट है और बी जो है वो पापा सेट है, ठीक। तो पापा के अंदर जो सारी क्वालिटीज होंगी वही बच्चे के अंदर होंगी, ठीक है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विल बी प्रेजेंट इन बी, ठीक है। ये बता दिया। हाँ, यहां पे कुछ एग्जांपल दिया, एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल दिया जैसे 10th ए में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, विजय, रन, राहुल, रिया, टिया, दिया, ठीक है। इसमें हमने दो सेट्स बना लिए, क्या? बॉयज ऑफ क्लास 10th एंड गर्ल्स ऑफ क्लास 10th। तो बॉयज ऑफ क्लास 10th विल बी अ सबसेट ऑफ दिस, गर्ल्स ऑफ क्लास 10th इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये सब इसके सबसेट है क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन दिस, सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? सबसेट, बड़े सेट का छोटा पार्ट, ठीक है। जैसे अब यहां पे देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। अगर किसी भी सेट में सारे एलिमेंट्स हटा दोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब क्या? फाई, राइट। तो कुछ नहीं तो सबके अंदर आता है। मान लो ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स दिए 1 2 3 4 5 6। अब इसका सबसेट क्या होगा? सबसेट मतलब जो इसके अंदर से आता हो बेसिकली। तो अगर इन सारे एलिमेंट्स को हटा दोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं को बोलते हैं फाई, एम्प्टी सेट, नल सेट, जीरो सेट, ठीक है। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये लिख लो स्टार बना के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है।
उसके बाद सेकंड डेफिनेशन, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विल बी प्रेजेंट इन ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विल बी प्रेजेंट इन बी। नहीं समझे सेकंड वाला, समझ गए? ठीक है, फिर अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं कि ए और बी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है। मैंने क्या बोला, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विल बी देयर इन बी, सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी विल बी देयर इन ए। तो अगर ए के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स बी में है, बी के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स ए में है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए और बी आपस में कैसे हैं, इक्वल है भाई। समझ में आया, ये थर्ड कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक, उसके बाद अगर ए और बी आपस में इक्वल हैं, इफ ए एंड बी आर इक्वल, तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर दो सेट्स आपस में इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब इसी का उल्टा है ना, वाइस वर्सा। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो इक्वल हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो एक दूसरे के सबसेट हैं। किसी भी सेट के सबसेट्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ए एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं ए कॉमा बी, तो इसके अगर हम लोग सबसेट्स निकालें टोटल, तो कैसे लिखेंगे उस सबसेट को और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला सबसेट होता है फाई, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बताया ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखा, फाई, फिर उसके बाद क्या लिखा, पहला एलिमेंट लिख लो सेट के फॉर्म में ए, दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा बी, तीसरा क्या हो जाएगा ए और बी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो आए चार एलिमेंट्स, ये चार एलिमेंट्स क्या है, ए के सबसेट्स हैं। ठीक है, अब जैसे इसका बताओ, वन टू थ्री, इसका अगर सबसेट निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, फाइव वन टू थ्री, हाँ, तो वन टू थ्री का अगर इसका हम लोग सबसेट निकालें, लेट्स से हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं वन टू थ्री, तो इसका अगर हम लोग सबसेट निकालेंगे तो इसके सबसेट्स क्या क्या आ जाएंगे, इसका पहला सबसेट आएगा फाइव, दूसरा आ जाएगा वन, तीसरा आ जाएगा टू, फिर आ जाएगा थ्री, फिर आ जाएगा वन टू, फिर आ जाएगा टू थ्री, फिर आ जाएगा वन थ्री, और फिर आ जाएगा वन टू थ्री। टोटल कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, अब एक चीज और, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू टू द पावर एन, टू टू द पावर एन, वेयर एन इज योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे टोटल कितने एलिमेंट्स थे सेट के अंदर, तीन, तो कितने यहां पे सबसेट बनने चाहिए, टू की पावर थ्री, कितना होता है एट, देखो एट बन रहे हैं। यहां पे कितने एलिमेंट्स थे, दो, कितने सबसेट बनने चाहिए, चार, टू की पावर टू इज फोर, चार सबसेट बन रहे, वन टू थ्री फोर। ठीक, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो कोई भी सबसेट छूटेगा नहीं आपसे, आप सारे सबसेट्स बनाते चले जाओगे। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट समझिए, तो पावर सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट, इट कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। पावर सेट का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास एक सेट है, लेट्स से ए बी, ये सेट था, इस सेट के हमने अगर सारे सबसेट लिखे तो क्या आया, फाइ ए बी एंड फाइ आया, ए आया, बी आया, ए बी आया, चार सबसेट्स बने थे इसके। अब इन सबसेट्स का एक सेट बना दो, इन सबसेट का एक सेट बना दो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर सेट। क्या कहेंगे, पावर सेट। तो सबसेट का एक सेट बना दो, उसको क्या बोल दिया, पावर सेट, क्योंकि बहुत पावरफुल हो गया, सारे सबसेट्स इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी, और जिस भी सेट का नाम है वो। अब नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट कितने होंगे, जितने सबसेट बनते हैं, कितने सबसेट बनते हैं, टू की पावर एन, एन क्या बताता है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट। ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं कृष भाई? समन्विता नित्या कोई दिक्कत? आप दोनों को कोई दिक्कत? इसके बाद बात करते हैं हम लोग, सबसेट के बाद आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को कैसे लिखते हैं? ए और अर्थी नहीं बनाते, सिर्फ यू बना के यू को लिटा देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता था? उसमें हम लोग यू बनाते थे और उसके नीचे अर्थी लिख देते थे, इक्वल टू का साइन लगा देते थे। यहाँ पे अर्थी नहीं लगाई है, यहाँ पे सिर्फ यू को गिरा के लिटा दिया है, ठीक। इसको पढ़ते हैं क्या? प्रॉपर सबसेट। सो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? यहाँ पे इसको पढ़ेंगे एज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। ये तो सबसेट की भी डेफिनेशन थी। इसके आगे क्या है? बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट प्रेजेंट इन ए। क्या बोला मैंने? मैंने बोला ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, बट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ जैसे बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अब हम यहां पे क्या कहेंगे? यहां पे कहेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों प्रॉपर सबसेट? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में नहीं होगा। तो बी में कम से कम एलिमेंट कौन कौन से? यहां पे, यहां पे तो दो एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट। क्या हो गया? ये प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट की जब हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n, लेकिन जब हम लोग प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n-1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट इज 2 to the power n-1, वेयर अगेन n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालते हैं, प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं? तो अगर हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए बी, इसके सबसेट निकालते हैं। तो पहला आएगा फाई, दूसरा आएगा ए, और तीसरा आएगा बी। जो खुद का सबसेट होता है ना, हमने बताया एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो जो ये वाला सबसेट है वो यहां पे नहीं आता। बस अगर सबसेट निकालते तो क्या क्या आता? फाई आता, ए आता, बी आता, और क्या आता? ए बी द सेट इटसेल्फ। लेकिन जब हम लोग प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो सेट इटसेल्फ वाला नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट में क्या आ जाएगा? फाई आएगा, ए आएगा, बी आएगा, लेकिन ए भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए 2 to the power n-1 हो जाता है, ये ए भी यहां पे नहीं आया, द सेट इटसेल्फ। सो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, यहां पे जो लिखी हुई है, इस लाइन को लिख लोगे तो समझ जाओगे। ऑल सबसेट्स टू बी इंक्लूडेड एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ। उसके बाद टाइप ऑफ सेट में एक सेट छूट गया था जिसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स क्या होता है पता है? ब्रह्मांड जिसको कहते हैं हिंदी में ना, जिसमें हम भी आते हैं, प्लैनेट्स भी आते हैं, गैलेक्सीज भी आते हैं, सन भी आते हैं, मून भी आते हैं, सब कुछ आता है। वैसे ही नाम है यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे अच्छा, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से या एप्साइलन से। इसको बोलते हैं क्या? एप्साइलन। और इसको क्या बोलते हैं? म्यू, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को या तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से या हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्साइलन से। तो ये म्यू या एप्साइलन, जैसे यूनिवर्सल सेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से लेटर्स होते हैं? वोवल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, ठीक। तो ये जो ए और बी है ये कहां से निकल के आ रहे हैं? यहां से आ रहे हैं। ए भी यहीं से आ रहा है, इसका पार्ट है, और बी भी क्या है? इसका पार्ट है। तो इसको हमने क्या बोला? यूनिवर्सल सेट। अब भाई जो इंग्लिश में ए बी सी डी ई एफ जी कितने होते हैं टोटल? 26। 26 लेटर्स को छोड़ दो तो बाकी कोई लेटर बचता है क्या इंग्लिश लैंग्वेज में? नहीं। तो ये जो 26 लेटर्स का ग्रुप है दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे आ जाते हैं सेट्स। जैसे मैं आपसे बोलूं एप्साइलन इज यूनिवर्सल सेट, एप्साइलन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ठीक है, सारे नंबर्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट, ठीक है।
तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट जो सारे सेट्स को, सारे एलिमेंट्स को कंटेन करे, ठीक है। फिर ऑपरेशंस ऑन सेट ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लिए।